जहां यूपी में बिजली कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर लखनऊ सहित सभी जिलों में विरोध सभा की है। कार्य बहिष्कार कार्यक्रम में मशाल जुलूस निकाला गया है। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की मनमानी से कार्य का माहौल खत्म हो चुका है। शीर्ष प्रबंधन में भ्रष्टाचार के चलते लगातार घाटा हो रहा है। लंबित मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी व सदस्यगण आंदोलित हैं और इस दौरान हमारे संवाददाता अवनीश ने बिजली कर्मचारियों से बातचीत की है। कर्मचारी लगातार अपने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बिजली के कर्मचारी हैं, ये पूरा संगठन है, जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिजली व्यवस्था में सुधार की हमारी मांग है। ऊर्जा निगमों में जो भय का वातावरण है, जिस प्रकार का आतंक का वातावरण चेयरमैन ने फैला रखा है और लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं, समस्याओं पर तो कोई समाधान ही नहीं हो रहा, इसके विरोध में बिजली कर्मियों में गुस्सा है। आज सारे प्रदेश में हर जिले में हर परियोजना पर 100 स्थानों पर इसी प्रकार के मशाल जुलूस निकल रहे हैं, जैसे मशाल जुलूस यहाँ पर निकल रहा है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वह प्रभावी हस्तक्षेप करें, हम काम करना चाहते हैं। किसी से कोई बातचीत हुई है? बातचीत हुई है, क्या आश्वासन? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऊर्जा से बातचीत हुई है और लेकिन बातचीत से का अभी कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग हैं जो बिजली के कर्मचारी हैं जो निजीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप साफ देख सकते हैं कि हाथों में मशाल को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इनका विरोध प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, एनके न्यूज़ लखनऊ।